दोस्तों नवरात्रि लग रहे हैं, बस कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में बात आती है अपने पावर स्टार पवन सिंह को लेके। क्या कुछ तैयारी चल रही है, पवन सिंह के कितने गाने इस बार सुनने को मिलने वाले, किसके चैनल से आएंगे और पहला गाना कब आप लोगों बीच में रिलीज होगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में जरूर बने रहे। तो दोस्तों नवरात्रि और पवन सिंह का गाना ना, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता दोस्तों। पवन सिंह की तैयारियां भरपूर चल रही हैं और पवन सिंह पहले गाने को रिलीज करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों दो गाने की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और एक गाने में आपको पवन सिंह के साथ में नजर आने वाली है चांदनी सिंह। ये गाना पूरी तरीके से पारंपरिक होने वाला है और जिस तरीके से पवन सिंह पहले भी गाने लेके आते रहे हैं उसी हिसाब से गाना होगा और इस बार तैयारियां यही चल रही हैं कि 4 से 5 ही गाने आप लोगों बीच में रिलीज किए जाएं, ताकि हर गाने को रिलीज करने का भी टाइम पर्याप्त मिल सके और हर गाने पे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सके और हर गाने आप लोग सुन के एंजॉय भी कर सके। तो इस वजह से पहले गाने को टाइम से पहले ही रिलीज किया जाएगा, आज शाम नहीं तो कल तक आप लोगों बीच में पहले गाने का पोस्टर भी रिलीज कर दिया जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह नवरात्रि गाने की शूटिंग तो हो चुकी है लेकिन अभी रिकॉर्डिंग को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है। रिकॉर्डिंग में शायद टाइम लग सकता है, पोस्टर भले आ जाएगा लेकिन रिलीज करने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा और पहला गाना पवन सिंह का मामा फिल्म्स भक्ति चैनल पे रिलीज किया जाएगा। तो पावर स्टार पवन सिंह के पहले गाने के लिए आप लोग तैयार रहिए और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि इस बार 4 से 5 गाने आने वाले हैं, तो 4 से 5 गाने जो आएंगे उसमें 1-2 पारंपरिक होंगे, कुछ डीजे टाइप के मतलब डांस स्टेप वाले गाने होने वाले हैं, तो हर मूड के गाने बनकर तैयार हैं। म्यूजिक वगैरह पर सब कुछ काम तो पहले ही हो चुका था, तो अब शूटिंग हो रही है और शूट जैसे भी होता है वैसे रिकॉर्डिंग होगा और लगातार आप लोगों बीच में सारे गाने रिलीज किए जाएंगे। अगर आप भी कर रहे हैं पवन सिंह के नवरात्रि गाने के इंतजार तो कमेंट करके बताइए। इसी के साथ दोस्तों चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी अपडेट ऐसी वीडियोस देखने के लिए।